Assalamualaikum. Lecture number 12. Exercise 12.8 और question number 12. Lecture number जो है वो भी 12 ही है. तो taking left hand side 12 का first part R1 का formula लगाया delta over S minus A, R2 delta over S minus B, tan gamma by 2 का direct formula लगा लें या tan को sin over cos कर लेंगे. Gamma over 2 taking डेल्टा कॉमन 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी साइन गैमा ओवर 2 एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी एस सिमिलरली कॉस गैमा ओवर 2 एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी. ए बी डबल बटे में कैंसल हो गया. टेकिंग एलसीएम एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए आ जाएगा. तो इन सब वैल्यूज़ को एक ही स्केयर रूट में लिख लें या बटे से ऊपर कमी है एस इंटू एस माइनस ए सी की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस सी इन स्केयर रूट. स्केयर रूट में तो एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस सी. वन एस और वन एस ये हो जाएगा टू एस और माइनस बी माइनस ए ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा नीचे वाली वैल्यू के अंडर रूट स्केयर कट जाएंगे एस इंटू एस माइनस सी. एज टू एस किसके इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी के. तो यहाँ वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देंगे डेल्टा मल्टीप्लाई डेल्टा डेल्टा स्केयर टू एस की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस ए और ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. डेल्टा स्केयर बी कैंसल सी कैंसल मल्टीप्लाई बी ए प्लस टू एस था ए प्लस बी प्लस सी ए और बी कैंसिल हो जाएंगे बाकी यहाँ पे ये सी रह जाएगा साथ ओवर डेल्टा स्केयर से कैंसिल इज इक्वल टू सी. लेफ्ट हैंड साइड आ गई. अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का. सेकंड पार्ट है कि प्रूव करना है हमने आर प्रूव करना है हमने इसमें सी ही प्रूव करना है इसमें भी. सी इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर इंटू कॉट ऑफ गैमा बाई टू टेकिंग राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करेंगे. आर थ्री डेल्टा ओवर एस माइनस सी माइनस आर डेल्टा ओवर एस कॉज ऑफ गैमा ओवर टू ओवर साइन गैमा ओवर टू. तो डेल्टा कॉमन लिया वन ओवर एस माइनस सी वन ओवर एस कॉस गैमा ओवर टू एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए और बी ओवर अंडर रूट कॉस गैमा ओवर टू साइन गैमा ओवर टू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी. ए बी कैंसल डेल्टा एलसीएम लिया एस इंटू एस माइनस सी यह आ जाएगा एस माइनस सी और स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए एंड एस माइनस बी. मज़ीद इसको सिम्प्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा जी हमारे पास डेल्टा और इंटू एस माइनस एस और माइनस माइनस प्लस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी. अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बाय एस इंटू एस माइनस सी स्केयर रूट में. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी. एस एस से कट जाएगा सो डेल्टा
और c ओवर s इंटू एस माइनस सी, और ये अंडर रूट स्क्वायर काट जाएंगे s इंटू एस माइनस सी ओवर डेल्टा, डेल्टा डेल्टा से काट गया s इंटू एस माइनस सी से, और आंसर जो है वो c आ गया।